जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग गीता प्रेस के नाम महिमा अंक से लिया गया है। लंका विजय के उपरांत अयोध्या में एक बार भगवान श्री राम अपने राज दरबार में विराजमान थे। उस समय राजा श्री राम को कुछ आवश्यक परामर्श देने के लिए देवर्षि नारद, विश्वामित्र, वशिष्ठ और अन्य अनेक ऋषिगण पधारे हुए थे, जबकि एक धार्मिक विषय पर विचार विनिमय चल रहा था। देवर्षि नारद जी ने कहा, सभी उपस्थित ऋषियों से एक प्रार्थना है, आप लोग अपने अपने विचार से यह बताएं कि नाम, भगवान का नाम और नामी स्वयं भगवान में कौन श्रेष्ठ है। इस विषय पर बड़ा वाद विवाद हुआ, किंतु राजसभा में उपस्थित ऋषिगण किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। अंत में देवर्षि नारद जी ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया, निश्चय ही नामी से नाम श्रेष्ठ है और राजसभा के विसर्जन होने के पूर्व ही प्रत्यक्ष उदाहरण के द्वारा इसी की सत्यता प्रमाणित कर दी जा सकती है। तदनंतर नारद जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कहा, महावीर, जब तुम सामान्य रीति से सभी ऋषियों को और श्री राम को प्रणाम करो, तब विश्वामित्र को प्रणाम मत करना, वे राज ऋषि हैं, अतः वे समान व्यवहार और समान सम्मान के योग्य नहीं हैं। हनुमान जी सहमत हो गए। जब प्रणाम का समय आया, हनुमान जी ने सभी ऋषियों के सामने जाकर सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, केवल मुनि विश्वामित्र को नहीं किया। मुनि विश्वामित्र जी का मन कुछ शुद्ध हो उठा। तब नारद जी विश्वामित्र मुनि के पास गए और बोले, महामुने, हनुमान की धृष्टता तो देखो, भरी राजसभा में आपके अतिरिक्त उसने सभी को प्रणाम किया, उसे आप अवश्य दंड दें। आप ही देखिए वह कितना उद्दंड और घमंडी है। बस इतने पर तो विश्वामित्र मुनि आग बबूला हो गए। वे राजा राम के पास गए और बोले, राजन, तुम्हारे सेवक हनुमान ने इन सभी महान ऋषियों के बीच में मेरा घोर अपमान किया है, अतः कल सूर्यास्त के पूर्व उसे तुम्हारे हाथों मृत्युदंड मिलना चाहिए। विश्वामित्र राम जी के गुरु थे, अतः राजा राम को उनकी आज्ञा का पालन करना था। उसी समय भगवान राम निश्चेष्ट से हो गए, इसलिए कि उनको अपने हाथों अपने परम अनन्य स्वामी भक्त सेवक को मृत्यु दंड देना होगा। श्री राम के हाथों हनुमान को मृत्यु दंड मिलेगा। यह समाचार बात ही बात में सारे नगर में फैल गया। हनुमान जी को भी बड़ा खेद हुआ। वे नारद जी के पास गए और बोले, देवऋषि, मेरी रक्षा करो, भगवान राम कल मेरा वध कर डालेंगे। मैंने आपके परामर्श के अनुसार ही कार्य किया, अब मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा, ओ हनुमान, निराश मत हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ब्रह्म मुहूर्त में बड़े सवेरे उठ जाओ, सरयू में स्नान करो, फिर सरिता के बालुका तट पर खड़े हो जाओ और हाथ जोड़कर ओम श्री राम जय जय राम मंत्र का जप करो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुमको कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन सवेरा हुआ, सूर्योदय के पहले ही हनुमान जी सरयू तट पर गए, स्नान किया और जिस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने कहा था, तदनुसार हाथ जोड़कर भगवान के उपयुक्त नाम का जप करने लगे। प्रातःकाल हनुमान जी की कठिन परीक्षा देखने के लिए नागरिकों की भीड़ इकट्ठी हो गई। भगवान श्री राम हनुमान जी से बहुत दूर खड़े हो गए, अपने परम सेवक को करुणाद्र दृष्टि से देखने लगे।
और अनिच्छा पूर्वक हनुमान पर बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु उनका एक भी बाण हनुमान जी को बेध नहीं सका। संपूर्ण दिवस बाण वर्षा होते रहने पर भी हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। भगवान ने ऐसे शस्त्रों का भी प्रयोग किया जिनसे वे लंका की रणभूमि में कुंभकर्ण तथा अन्य भयंकर राक्षसों का वध कर चुके थे। अंत में भगवान श्री राम ने अमोघ ब्रह्मास्त्र उठाया। हनुमान जी भगवान के प्रति आत्मसमर्पण किए हुए पूर्ण भाव के साथ मंत्र का जोर जोर से उच्चारण करके जप कर रहे थे। वे भगवान राम की ओर मुस्कुराते हुए देखते हुए वैसे ही खड़े रहे। सब आश्चर्य में डूब गए और हनुमान की जय जय का घोष करने लगे। ऐसी स्थिति में नारद जी विश्वामित्र मुनि के पास गए और बोले, हे मुनि, अब आप अपने क्रोध का संवरण करें। श्री राम थक चुके हैं, विभिन्न प्रकार के बाण हनुमान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। यदि हनुमान ने आपको प्रणाम नहीं किया तो इसमें है ही क्या। अब इस संघर्ष से श्री राम की रक्षा कीजिए और इस प्रयास से उन्हें परावृत कीजिए। अब आपने श्री राम के नाम की महत्ता को समझ देख ही लिया है। इन शब्दों से विश्वामित्र मुनि प्रभावित हो गए और ब्रह्मास्त्र द्वारा हनुमान जी को नहीं मारे ऐसा श्री राम को आदेश दिया। हनुमान जी आए और अपने स्वामी श्री राम के चरणों पर गिर पड़े एवं विश्वामित्र मुनि को भी उनकी दयालुता के लिए प्रणाम किया। विश्वामित्र मुनि ने बहुत प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने श्री राम के प्रति हनुमान जी की अनन्य भक्ति की बड़ी सराहना की। जब हनुमान जी संकट में थे तब सर्वप्रथम यह मंत्र नारद जी ने हनुमान जी को दिया था। अतः हे प्रिय साधक गण, जो भावाग्नि से दग्ध हैं उन्हें अपनी मुक्ति के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। श्री राम, यह संबोधन भगवान राम के प्रति पुकार है। जय राम, यह उनकी स्तुति है, और जय जय राम, यह उनके प्रति संपूर्ण समर्पण है। मंत्र का जप करते समय मन में यही भाव होना चाहिए कि हे राम, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपके शरण हूँ। आपको तुरंत ही भगवान राम के दर्शन मिलेंगे। समर्थ स्वामी रामदास जी ने इस मंत्र का 13 करोड़ जप किया और भगवान श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ उठाया। राम नाम की अचिंत्य शक्ति का प्रभाव अमित है। आप राम नाम का गुणगान करें, आप मंत्र का जप कर सकते हैं और सुस्वर में उसको गा भी सकते हैं। इस मंत्र में 13 अक्षर हैं और 13 लाख जप का एक पुरस्चरण माना गया है। ओम नारायण उपयुक्त 13 अक्षर के सिद्ध मंत्र का तुम जप क्यों नहीं करते, और इससे जिस प्रकार अनेकों को भगवान की प्राप्ति हुई है उसी प्रकार भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं कर लेते। यह नाम तुम्हारे जीवन का सहारा बने, यह नाम तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारा पथ प्रदर्शन करे और लक्ष्य की प्राप्ति करा दे। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के सहित भगवान के नाम का अखंड जप करने से तुम्हें इसी जन्म में प्रभु का साक्षात्कार हो जाए, यही मेरा आशीर्वाद है। यह प्रसंग लेखक पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज जी द्वारा गीता प्रेस के नाम महिमांक में दिया गया है। जय श्री राधे। जय श्री